हेलो नीतो, प्लीज हमें कमेंट्स में बताना। ओ मंगला मंगला नीतो, ओ मंगला मंगला। और मैं अपनी दुल्हनिया की एंट्री करा रहा हूँ गाने के साथ। ओ माय गॉड। हाँ बोल बोल भाई, बोल बोल, अच्छा गाना है। कोई बस बस ओए लखनी, तैयारी हो रही है बिल्कुल उसी जोड़े में आज हम लोग होने वाले हैं जो हमने शादी के वक्त पहना था, लेकिन तूने तो अभी भी कुछ डिफरेंट पहन रखा है। हाँ, मेरा जो रेड जोड़ा है वो मैं भूल आई। सही बता, मैं ये रखा दिखाऊं? मैं पिंक पहन रही हूँ, तुम ये नहीं पता मैंने कौन सा वो पहना? तूने यही तो पहना था अपनी शादी पे, ये नहीं था वो? कोई मेरे कसम, तो ये क्यों लाई है फिर तू? ये मैं ले आई। और वो क्यों भूल गई? वो मतलब मैं लेकर आ रही थी, फिर मेरी उसे केन केन वहां पर थी मम्मी वाले घर में, इसलिए मैंने सोचा ये दूसरा पहन लेती। भाई नहीं, तू खुद तो दूसरा लाई है, लेकिन मुझे वही पहना है जो मैंने शादी के वक्त पहना था। नहीं ऐसा नहीं, झूठ बोल रही है। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं, उसी गेटअप में तैयार हो रहे हैं। यहाँ बैठ के दीदी ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है इस रूम को। एक्चुअली हमने दीदी के रूम को मेकअप रूम बनाया हुआ है, इसके लिए हमने ये रूम सेलेक्ट किया था, बट हम सारा अपना काम इधर ही करा रहे हैं। हमारी दीदी आ गई है, पहाड़ी दीदी। दीदी आपको देख के तो कुछ हो रहा है। दीदी मुझे देख के शॉक होगी क्योंकि मैं तैयार होकर आराम से बैठा, ठंड लग रही है भाई बहुत ज्यादा। इतना सॉर्टेड दूल्हा मैंने कभी नहीं देखा। दूल्हे को पता है दूल्हा अच्छी है ना, अब वो एंग्जायटी हट गई। देखो दूल्हे को नींद आ रही है, इसको भी नींद आने लगी है। सच एन एक्साइटिंग लाइफ यू हैव। तो हमारी दीदी अपने, मैं अपनी दादी की ट्रेडिशनल ज्वेलरी में आज नीतू को तैयार कर रही हूँ। दिस इज वेरी ओल्ड, ये प्योर कुंदन का पहाड़ी। और दीदी ने कल हमें वो भी दिखाया था, दादी के सोने के क्या थे वो चश्मे। वाओ दीदी, रेट बढ़वा दे मेरे घर में। नहीं दीदी, बट आई रियली वॉन्ट। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, पहाड़ी पहुंची लोग रेड कलर की पहनते हैं, बट नीतू के लिए मैंने मतलब हमने ग्रीन बनवा दी, तो क्योंकि हम हर चीज अलग करते हैं। ग्रीन पहनते हैं लोग? हाँ। अब तू पहन रही तो पहनेंगे ना? पहन रहे ना, सेटर्स भाई। यार ये पहनते कैसे, थोड़ा सा इसका ना वो है स्टाइल होता है पहनने का। और दीदी वहां से डायरेक्ट पहले घर ही गई थी सब सामान लेने और तैयार होने। दीदी आपने तो वो पहना हुआ है वेलवेट का ना, आप सही हो यार। मैंने डिजाइन शॉल में डिजाइनर भी हूं ना, मेरे को बहुत शौक हो गया। हां ये पोंची का थोड़ा होता है ना, अच्छी लग रही है। हां बहुत सुंदर लग रही है। ये लेना है। और ये नेपलीज ग्रीन कलर होता है ना, सुहाग का कलर ग्रीन होता है नेपाल में। अच्छा। और हमको माउनी और नेपाली तो एक से ही होता है, रामरू नेपाल नंबर 12। कल मैंने आपको 11 खूबियां दीदी गिनवाई थी, 12वीं है कि वो डिजाइनर भी है। इधर से लेंगे, इधर से लास्ट वन। वाह यार, नहीं आ रही तुम तो यार। कौन पहचान में नहीं आ रहा? दिव्या बहन, इतनी देर शांत रहती नहीं है ना। अच्छा गाइस, अभी तो सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, मतलब आज तो बहुत जल्दी लग रहा है मेरे को। ठीक है भाई, क्योंकि 1, 2, 3, 4 वहाँ पे, 5 और मैं भी 6। क्या करूँ? हाँ यार, जस्ट आई वांट टू टेक पिक्चर्स टुडे। मैंने पिक्चर्स ही नहीं लिए, सब मुझे बोल रहे पिक्चर्स कहाँ है। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, बिजी की पिक्चर्स में ली। हम ना आपस में बातों में इतने खो गए थे कि हम पिक्चर्स लेना भूल गए। हाय बेबी, नहीं तो गाइस नीतू रेडी हो गई है। हाय गाइस, सो मैं हूँ आज की ब्राइड जिसकी आज शादी है सेम लड़के से। अभी हम बात कर रहे हैं, हमारी बहन है सपना, और सपना का कॉल आया था, उसने बोला था कि भाभी जैसे तैयार हो जाए मेरी बात कराना, तो हम दीदी से बात करेंगे। हेलो दीदी। हेलो, कैसी हो आप? मैं कुछ नहीं दीदी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। हाँ अपनी तारीफ कराती रहेगी ऐसी बोल बोल के। नहीं दीदी, बहुत सपना बहन अपनी तारीफ कराने की टेक्निक है इसकी। नहीं सच में बहुत प्यारी लग रही। तो गाइस नीतू भी रेडी हो रही है, सुधीर जूते ढूंढ रहा जो कि लाना भूल गया, तो अब मैं यही पहन लूंगा। पहला दूल्हा देखोगे आप जो स्पोर्ट्स शूज पहन के जा रहा है, बट इट्स ओके यार, ठंड भी बहुत है तो मैं जूतियां तो वैसे भी नहीं पहन पाता। और सामने देखो डेकोर करा दिया है। हाँ जी मैं आ गया, मैं आ गया। और वहाँ पे दीदी ने लाइव म्यूजिक के लिए भी किसी को बुलाया हुआ है। चलते नीचे, नीतू आ रही है तो मेरे साथ ही आएगी। तो गाइस हमारे दुल्हन की एंट्री में थोड़ा टाइम है, मैं स्टार्टर खा लेता हूँ उतने। हाँ भाई दो ना मेरे कुछ यार। ठीक है, कैसा प्रॉब्लम? हेलो नीतू। हेलो, कैसी लग रही है नीतू की एंट्री? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये इनकी वो बात तो है, लेकिन मैचिंग कैसे होगी साड़ी? मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल से एंट्री, मेरी दोनों खास खास से मेरी एंट्री करी। पूनम दीदी नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन सोनी दीदी, दिव्या दीदी थी। ओ, रानी भी था। मम्मा भी शादी में आए, मम्मा
की शादी में खाना खा के जाना। ओके मम्मी। भाई क्या बदतमीजी है, दुल्हन की एंट्री में खा के जाइए। गाइस हम तैयारी कर रहे हैं दुल्हन के आने की। दीदी मारो यार। चलो मैं तुम्हें बताती हूं। उसी उसके उसको ना आने की तैयारी कर रहा हूं मैं। तो गाइस नीतू की एंट्री हो रही है, मैं गाना गाते हुए एंट्री करूंगा। मैं वेलकम करूंगा। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? थोड़ा सा आवाज कहां पर आवाज नहीं आ रही मुझे बताओ। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। नीतू शुरू कर दे क्या? क्यों इंप्रेस हो जाएगी लड़की? अरे मुझसे इम्प्रेस ये कहा जाएगी अब? अब तो होगी रजिस्ट्री उसकी। आपके बैठे हो कुछ भी हो सकता है। मैं गाने वाला हूँ और मैं अपनी दुल्हनिया की एंट्री करा रहा हूँ गाने के साथ। ओके वैसे गाना कम पोएट्री लाइन ज्यादा है वाली। सब लोग रेडी है ना? अटेंशन चाहिए मुझे सबका। ऐसे किसी से अपनी दुल्हन को नहीं बुलाऊंगा। अरे ताली बजाओ यार। आ जा। तुम्हें दुल्हन आ गई है। थैंक यू गाइस। हाँ इसका वाला तो जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई जब तक रात देता है कोई बस बस। इसको कहते रील अगर नाइटीज में कैसे झटक जाती थी। गाना लिख लिया ना कोई है ना कोई कोई याद नहीं है ना यही पता है। अच्छा अभी हमारे बीच बहुत सारे सिंगर्स हैं यहाँ पे तो मैं सबको इक्वल मौका देना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर में। टैलेंट शो के अजीब है। छुपरे तुम्हें भी गाना है यूं करनी है वैष्णवी के छुपरा आपको भी गाना है। सब गाना पहले बता दिया। तूने भी स्टोरी लगाई थी ना कि तूने गाना गाया था इन लोगों के लिए वही गा दे। चलो वो हटाओ। भैया लाइट से छू कर मेरे मन को। आप लोग सोच रहे होंगे हमारी टीम ने कपड़े अच्छे क्यों नहीं पहने। हमने कपड़े घर बुलाए सबने खरीदे पूरी शॉपिंग बर्बाद कर दी मेरी। चलो उनका इंतजार कर रहे हैं पहले वो गाएंगे। दुआओं में याद रखे इसको गाने हम तो सुनेंगे। वही वाला चल रहा है गा मतलब ये क्या है नाचना जाने आवेद ए चलो इसे छीनो रोहित हमने रोहित वो ही मैंने मेरा है मुझे अच्छा चलता दुआओं में। हां बोल भाई बोल अच्छा गा रहा है अच्छा बीच में से मत छीनो अच्छा गा रहा है अच्छा चलता हूं दुआओं में आओगा चल चल
कुछ कर यार, झूठा ये बहुत झूठा है। कोई भी गा दो, हिंदी गा दो, गाना मतलब कोई भी, तू साथ में कोई भी सजेस्ट कर दो। हाँ जी इससे हम महाराष्ट्र गाना गवा रहे हैं और अभी रोहित सॉरी क्या नाम है सुधीर को ही बुला रहे हैं, सुधीर भी गाएगा ठीक है पुनीत? ठीक है। अब हमारे शो स्टॉपर आने वाले हैं। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं तो सुधीर। लड़की तू है कमाल लड़की, देख के ओ लड़की। नंबर 1 मूवी का सॉन्ग आपने सुना? अरे मम्मा मास, उसकी पैंट भी है माँ। करने गए थे कैंप, लौट आए वापस, आने लगी बारिश टिप टिप। हम बाहर रहे या हो घर में, हमको पसंद है अभी अभी हमारे शो स्टॉपर आ जाओ जल्दी आ जाओ, न्यू ड्यूएट आइए जब नहीं आई थी पूनम भाई, इतने गाने गाए हो अच्छा गाना गा दिया आज मैंने, रियलाइज करा यार। दीदी आ जाओ यार प्लीज, नो ड्रामा दीदी। ओके गाइस, अब हम लोग आ गए यहाँ पर डिनर करने के लिए पूरी टीम के साथ। चलो अभी हमने नाच गाना बंद कर दिया क्योंकि 11 बजे सारे शेफ लोग चले जाएंगे यहाँ से। वैष्णवी बहुत अच्छा गाया यार, और आपने तो और भी अच्छा गाया, सबसे अच्छा। मुंबई हाँ, अपने पैसों पर जाएगा तू मुंबई आदर की हो जैसे तूने गाना गाया ना। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे दीदी? लखानी इटली साइड का है कोई लखानी का बहुत ठंड लग रही है मुझे, पता नहीं सेलिब्रेशन रात में क्यों होता है, दिन में क्यों होता है? ये ऐसे लाया था ना मैं, तुम झटका लगा ऐसा। यश ऊपर बैठा कोई नहीं, नहीं वो कार में सैंडी भाई ने खुला छोड़ दिया। क्या हुआ है? खुला छोड़ दिया मतलब तो कैमरा भी ऑन भी नहीं है, मतलब पकड़ कर नहीं बैठे इसको। बटन तो दबा के जाती, अरे डिजाइन बन गया, रिंग लग रही है यार, लाइट लगाना ध्यान से, वो रिंग लग रही है सैंडी भाई। मुझे क्या पता भाई, मेरे सर के ऊपर क्यों लग रहा है, किसी को भूख लगी थी और स्कूप आउट हुआ है। ये बताओ ये टीम लाई थी, टीम का वो थोड़ा हो गया बैलेंस हिल गया। आ जाओ लखन टीम कपड़ों की तरह फूल भी भूला है, ये हटाना पड़ेगा ना, हटा दिया रियो इसको, किसी ने नहीं सीखा कल से। कांग्रेचुलेशंस आपके लिए, कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। लाइट सही से देना, इधर से जलाओ ना, इधर से भैया थोड़ा सा लगा दो, बहुत बेसुरे हो रहे हैं हम सब, करो अबे ओए ओए सैंडी भाई रुक जाओ यार, वो हो गया ना सैंडी भैया। करो भैया करो, यहाँ पूरी तैयारी चल रही है अब जयमाला की। सैंडी भाई को देखो सबसे पहले, जैसे वो चोर डाकू नहीं बैठे होते भाई, ऐसे ढाका मार के यहाँ बैठे। यश को देखो लाइट के पीछे, और इन लोगों ने तो देवता फूल फूल ले लिए हमारे ऊपर बरसाएंगे। अब है जयमाला का टाइम, स्लो मोशन में फेंकने फूल, नहीं नहीं फूल पास जाएंगे नहीं ऐसे। ओ मंगला मंगला है, ओ मंगला मंगला, फूलों की कमी नहीं, चिंता मत करो। सेकंड बैच दो, सेकंड बैच
तुम मार रहे हो मेरे को पॉपर की शॉर्टेज के कारण मेरे को एंड में ही बोलना पड़ेगा भाई अभी है चलो रेडी रेडी भाई मुंह पे मत मारना मेरे थ्री जो मांग रहे उसे दे दे थ्री टू वन गो गो ये 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 बूटा बूटा पहनाया ही नहीं गाइज आपको हम लोगों की अरेंजमेंट्स कैसी लगी और ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट्स में बताना और इसे लाइक करना कमेंट करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और गुड नाइट और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ बाय बाय.